संस्था हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्तों कल 14 सितंबर है और कल का दिन हमारे देश भारत के लिए खास दिन है। क्यों? क्योंकि ऐसा खास दिन जिसके कारण पूरे विश्व में भारतीय भाषा होती है। क्यों? क्योंकि कल हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा के कारण ही पूरे विश्व में भाषा है भारत की। हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत में एकता और अखंडता स्थापित करती है। एकता और अखंडता स्थापित करने में हिंदी का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा श्रेय रहा है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने, जिसको हम स्टेट असेंबली कहते हैं, तो संविधान सभा हिंदी को ही 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, आधिकारिक भाषा के रूप में माना, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई हमारे देश की। संविधान सभा के द्वारा माना गया ऑफिशियल लैंग्वेज। तब से हम प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हिंदी भारत की तो है ही सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, लेकिन यह विश्व की सबसे अधिक यानी बड़ी भाषा है। हिंदी द थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी से अधिक अंग्रेजी और मंदारिन चाइनीज बोली जाती है, और चौथी भाषा है स्पेनिश। तो अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी और स्पेनिश, ये चार भाषाएं विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हिंदी के जितने शब्द हैं उसमें से 50% शब्द जो है वह संस्कृत से लिया गया है और हिंदी देवनागरी लिपि से ली गई है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हिंदी भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में अच्छी बोली जाती है। बहुत से लोग इन देशों में हिंदी बोलते हैं। इतना ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार काफी हो रहा है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हिंदी का सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ था। हिंदी का सबसे बड़ा समाचार पत्र भारत का उदंड मार्तंड, जो कि कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित हुआ था। उदंड मार्तंड आप याद करो बच्चों, क्योंकि यह पूछता है करीबन कंपटेटिव एग्जाम में हिंदी का सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा था। तो उदंड मार्तंड जो कि 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और एक शुक्ला जी थे जो उसके संपादक थे। तो दोस्तों हमें हर्षोल्लास के साथ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।